तो आईपीएल 2021 के ऊपर आज के दिन कुल 7 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है आरसीबी टीम की तरफ से, इसके बाद बीसीसीआई की मीटिंग, आईपीएल के स्टार्टिंग डेट, मुंबई इंडियंस और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है आरसीबी के फास्ट बॉलर यानी कि काइल जेमिंसन की तरफ से, और काइल जेमिंसन ने डब्ल्यूटीसी के फाइनल मैच में दोनों बार विराट कोहली को आउट किया। तो इसके बाद आरसीबी के फैंस बुरी तरीके से नाराज हो गए और उन्होंने काइल जेमिंसन के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार दिया, जहाँ पर काइल जेमिंसन के ऊपर सभी आरसीबी फैंस काफी ज्यादा नाराज है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है इंग्लैंड प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर, जहां पर आईपीएल के सेकेंड फेज में इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि उस वक्त इंटरनेशनल स्क्वाड में नहीं होंगे। तो वैसे प्लेयर्स को आईपीएल के सेकेंड फेज में खेलने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अलाउ कर देगी। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी और काफी इम्पोर्टेंट अपडेट है बीसीसीआई की मीटिंग को लेकर, जहाँ पर अब बीसीसीआई की मीटिंग का डेट काफी नजदीक आ चुका है और 28 जून को बीसीसीआई की काफी बड़ी मीटिंग होगी और इस मीटिंग में बीसीसीआई आईपीएल का नया शेड्यूल और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू के ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगी। तो इस नजरिए से 28 जून काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है आईपीएल 2021 को लेकर, जहां पर सेकेंड फेज यूएई में स्टार्ट होने वाला है और इसके प्रिपरेशन के लिए सभी टीमों के फ्रेंचाइजी के अधिकारी 6 जुलाई को यूएई रवाना होने वाले हैं और वहां पर होटलों का मुआयना करेंगे और साथ ही साथ सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्लेयर्स कौन कौन से होटल में स्टे करेंगे। तो यहां पर सभी टीमों के फ्रेंचाइजी 6 जुलाई के बाद यूएई का दौरा करेंगे और आईपीएल 2021 के लिए स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर 19 सितंबर से आईपीएल का सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है इंडिया श्रीलंका सीरीज की तरफ से, जहां पर डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद अब भारत की टीम अगली सीरीज श्रीलंका के साथ खेलेगी और इस टीम की कप्तानी करेंगे शिखर धवन और कोच होंगे राहुल द्रविड़। तो 13 जुलाई से भारत और श्रीलंका के बीच काफी बेहतरीन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर कुल मिलाकर के डब्ल्यूटीसी फाइनल के बाद काफी रोमांचक सीरीज देखने को मिलेगी और इसमें कई सारे इंडिया के यंगस्टर प्लेयर्स खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और इस सीरीज का सीधा लाइव ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के आरटीएम कार्ड प्लेयर्स को लेकर, जहां पर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम जिन 2 प्लेयर्स पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी, उन दोनों प्लेयर्स का नाम एक तरह से क्लियर हो चुका है, जिसमें पहला बड़ा नाम है विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का, वही दूसरा बड़ा नाम है विस्फोटक बल्लेबाज कैरन पोलार्ड का। तो इन्हीं 2 प्लेयर्स के ऊपर मुंबई की टीम आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी और इन दोनों प्लेयर्स को वापस से अपने स्क्वाड में आरटीएम कर लेगी। तो यहां पर कुल मिलाकर के मेगा ऑक्शन में मुंबई की टीम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस टीम को अपने स्क्वाड से कई सारे स्टार प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ेगा। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 की तरफ से, जहां पर टीएनपीएल 2021 को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन अब इसके ऊपर अपडेट आती हुई नजर आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग टीएनपीएल के मैच अब अगस्त या फिर जुलाई के महीने में एक बार फिर से स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे और इसका लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क करने वाली है। तो इंडिया का डोमेस्टिक T20 लीग यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग अगस्त के महीने में स्टार्ट हो सकता है। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड कुल 7 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।